सो गाइस सर, न्यू रैंक सीजन आ चुका है सीएस का। और यहाँ पे पिछले सीजन में मैं डायमंड 3 में था, तो इस सीजन मेरे को इन्होंने प्लेटिनम 2 पे छोड़ा था। अब देखो यार, ग्रैंड मास्टर करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा पुश करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने रैंक को पुश किया और यहाँ पे हमने फाइनली कर लिया है ग्रैंड मास्टर, वो भी सीएस में। तो अभी मैं सबसे पहले आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख ही सकते हो यार, स्टार वगैरह मेरे 113 स्टार हो चुके हैं और टॉप 100 में यानी रीजन में आने के लिए मेरे को 151 यानी 151 स्टार मेरे को चाहिए होंगे। तो मेरी करंट जो है रैंकिंग वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये सब मैंने कैसे किया, अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं अलग से एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करो। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गेम प्ले जो कि ग्रैंड मास्टर में करते समय कैसे गया था। तो यहाँ पे देख ही सकते हो यार, अभी हमारा जो विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे 32 की बन रखी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा था और सामने भी यार बंदे अच्छे आ रहे थे। देख सकते हो पिछले सीजन वो बंदा ग्रैंड मास्टर में था तो इसलिए उसको अवतार बैनर मिला, तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता था, बट यहाँ पे हमारे जो कोऑर्डिनेशन के साथ हम अच्छे से गेम प्ले कर रहे थे। तो वही है, एक मैच दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख ही सकते हो सामने की तरफ टीममेट्स वगैरह है मेरे और यहाँ पे लेफ्ट से हम रश कर रहे थे, तो यहाँ पे जो एनिमीज की लोकेशन वगैरह हमें पता चल गई थी। तो यार लेफ्ट से ना दो बंदे यहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे जो दोनों प्लेयर्स यहाँ पे डाउन हो जाते हैं टीममेट्स, और यहाँ पे सामने की तरफ ये जो दो बंदे थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, जिसका यहाँ पे फायदा उठाते हुए मैंने एक एक गोली मार के दोनों को डाउन कर दिया। तो यहाँ पे अभी मैच पूरा का पूरा पलट चुका है, अगर मैं उस समय यहाँ पे उनको नहीं मारता तो यहाँ पे हमारा जो है खेल खत्म हो सकता था, बट यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को रिवाइव करते हुए यहाँ पे इजीली यल राउंड जीत जाते हैं। तो सामने की तरफ लास्ट वाला बंदा जो बचा होता है उसको यहाँ पे मारने के बाद हमारा यल राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले ये बंदा था, इसने मेरे को डाउन कर दिया, बट यहाँ पे मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया। तो पहला राउंड तो हमारे खाते में यहाँ पे ऐड हो चुका है, और अब देखो ये दूसरा राउंड। तो दूसरा राउंड में हमने बिल्कुल भी जो टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा यहाँ पे राइट साइड से हमने यहाँ पे अटैक कर दिया, और जैसे यहाँ पे एक डाउन हुआ मैं जाता हूँ सीधा अंदर घुसने के लिए, पीछे से मेरे को कवर वगैरह आ ही रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डाउन हुआ, दूसरा यहाँ पे डाउन हो चुका है, तीसरा बंदा दिखा इसको भी हमने मिलकर यहाँ पे डाउन कर दिया। तो बस यहाँ पे लास्ट वाला प्लेयर बचा था जिसको यहाँ पे मारने के बाद हमारा ये राउंड भी निकल सकता था। तो अभी यार जो लास्ट वाला बंदा किधर था वो नहीं पता था, लेकिन उसने फायरिंग दिया तो मेरे को पूरा उसकी लोकेशन पता चल गई थी और UMP से मैंने इसको यहाँ पे पूरा भर दिया। तो ये वाला राउंड भी हम जीत गए थे, और नेक्स्ट राउंड आते ही हम जो वाले राउंड में हार जाते हैं, तो इसलिए ये वाला राउंड देख सकते हो। अगर ये वाला राउंड हम हारते हैं तो आपस से बराबर हो जाएगा, 2-2 का स्कोर हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना पोजिशन वगैरह ले लिया था, राइट से यहाँ पे मेरे जो दो प्लेयर्स रश कर रहे थे और लेफ्ट से यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था, ताकि इसके ऊपर कोई भी अगर रश करे तो मैं उसको ईजिली कवर दे सकूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से एक बंदा आता है, देखना अभी। तो यहाँ पे नीचे से एक बंदा आया, इसको यहाँ पे मैंने दिया हेडशॉट और ये यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारे राइट साइड से भी रश हो चुका था और यहाँ पे हमारा पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन वगैरह चलता है। तो यहाँ पे जैसे एक बंदा इसके ऊपर रश करता है इसको यहाँ पे डाउन कर देते हैं। बस दो बंदे बचे हुए थे जो कि सामने की तरफ ही होते हैं, जिसको यहाँ पे मैं देख सकूँ काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो यहाँ पे बस दो ही प्लेयर्स बचे थे जिनके ऊपर यहाँ पे मैं जो सीधा रश कर देता हूँ, और ये जो लास्ट वाला बंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको यहाँ पे पहले मैंने डाउन किया, और जो लास्ट वाला बंदा था वो भी पीछे की तरफ ही था। तो यहाँ पे इसको मारने के बाद मेरा क्वार्टर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मरता नहीं मेरे हाथों, किसी और के हाथों मर जाता है और यहाँ पे मेरा ट्रिपल किल हो जाता है। तो ये वाला राउंड भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे जीत लिया था, और नेक्स्ट राउंड देख ही सकते हो कैसा लाया है। तो यहाँ पे भी हम पूरा अच्छे से पोजीशन वगैरह होल्ड करते हैं, और यहाँ पे क्लू के कारण यहाँ पे पता चल जाता है कि राइट साइड में कुछ बंदे आए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ, और यहाँ पे अभी देखो मैं अगर अंदर जाऊँगा तो मेरे को काफ़ी अच्छे से खेलना होगा, क्योंकि अगर मैं अंदर डाउन दे देता हूँ तो काफ़ी मतलब बेकार हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि वो एनिमी हावी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिर्फ एक नॉक निकालना है। अगर मैं एक यहाँ पे नॉक निकाल देता हूँ तो मेरे टीममेट्स यहाँ पे रश कर सकते हैं। तब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ प्यारे से तरीके से, और यहाँ पे एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, और यहाँ पे मेरे टीममेट्स भी आ ही रहे थे धीरे धीरे। और जैसे यहाँ पे एक डाउन होता है तो यहाँ पे देख सकते हो एक के साथ एक और डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने दो डाउन कर दिए थे, और यहाँ पे इसके दो प्लेयर्स वो पता नहीं किस साइड थे, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि सामने की तरफ वो बंदे छुपे हुए हैं। तो मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ से देखने के लिए, और यहाँ पे मेरे बंदे नीचे की तरफ जाते हैं। तो दो बंदे ऊपर और दो बंदे नीचे से जाते हैं, ताकि यहाँ पे एक दूसरे को कवर भी मिलता रहे। तो अभी देख सकते हो सामने की तरफ एक बंदा है, उसको हमने डाउन किया और ये वाला बंदे को ख़त्म कर दी, हमारा ये वाला मैच गुया हो गया। तो इसी के साथ अभी चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो अभी यार ये वाला राउंड में देख ही सकते हो हमारे पास USP थी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाउन निकाल दिया, तो मैं सोचा रश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे बदले में यहाँ पे इन बंदों ने यार हमारे जो तीन टीममेट्स हैं उनको डाउन कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्लच करना था, तो सबसे पहले मैंने एक डाउन किया, और यहाँ पे दूसरा बंदा था इसको भी यहाँ पे हेडशॉट के साथ डाउन कर दिया। तो दोनों बंदे को यहाँ पे मैंने डाउन कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से किल भर देता हूँ, क्योंकि यार बंदे जो है काफ़ी जल्दी रिवाइव करते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि बार बार बंदा रिवाइव किया। और यहाँ पे मेरे को मौका मिलते इस बंदे को भी मैंने डाउन कर दिया, तो यहाँ पे मेरा टीम
किल तो हो चुके थे और लास्ट वाला बंदा बचा था जिसको यहाँ पे मैं यूएसबी से मारता हूँ और इसको भी यहाँ पे हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एस कर दिया 4 किल के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे गया। तो यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीके वगैरह यहाँ पे 35 की बन रखी है, तो काफ़ी ओपी ओपी स्ट्रीके हमने यहाँ पे बनाई थी। तो यहीं पर एक और यहाँ पे राउंड दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने पूरा अच्छे से यहाँ पे डोमिनेट करते हुए बंदों को मार रहे थे, बंदों को जीतने ही नहीं दे रहे थे। देख सकते हो बंदे के यहाँ पे सामने की तरफ 0 स्कोर है और हमने यहाँ पे 3 कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट से मतलब सॉरी राइट से जाता हूँ और यहाँ पे आते ही एक डाउन खुद को दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स मतलब एकदम सही समय में आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे को रिवाइव मिल जाता है। लेकिन मैं अभी अगर मर जाता पहले और यहाँ पे अगर मेरे टीममेट में एक और डाउन हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे हमने अच्छे से कवर अप कर लिया, लेकिन यहाँ पे बदले में हमारा एक और टीममेट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टीममेट ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे अभी 1v3 का सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक और टीममेट यहाँ पे डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक डाउन निकाला और यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा था कि मैं क्लच तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बंदा है रिवाइव हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ग्रेनेड मारते हैं ताकि रिवाइव ना हो पाए। तो अभी देख सकते हो जैसे कि मैं बोला था रिवाइव करने जा सकता है, तो एक बंदा वहाँ पे रिवाइव उसको करने जा ही रहा था और कैसे नीचे की तरफ भी शायद से एक बंदा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि नीचे की तरफ जाके देखते हैं और यहाँ पे सचमुच एक बंदा था। तो अभी मैं वेट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लच कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यार अभी 1v2 का सिचुएशन है और सामने वाले मतलब अभी 0 में है। तो अभी अगर मैं ये वाला राउंड हारता भी हूँ तो अभी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये वाला राउंड मैं अभी खत्म करूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बंदे हैं एक गलती करता है, क्योंकि एक देखो यहाँ पे सीधा रश करता है जो कि इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया, अगर वो मिल के रश करते तो कुछ हो सकता था, बट यहाँ पे मैंने मौका देखते ही दोनों को उड़ा दिया। तो यहाँ पे 4-0 से हमने यहाँ पे मैच पूरा अच्छे से विन कर लिया और यहाँ पे एक और राउंड देख ही सकते हो। तो ये राउंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक बंदा सामने की तरफ डाउन होता है, तो मैंने उसको भरा नहीं, तो मैंने सोचा कि रिवाइव होने देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली उसने रिवाइव भी कर दिया। तो ये वाला मौका उठाते हुए मैंने सबसे पहले एक राइट में एक डाउन निकालता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे हमने उसका वीडियो खोला और ये डाउन मैंने निकाला। तो एक और बंदा मेरे को पता चल गया था सामने की तरफ था, उसको भी मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। तो यहाँ पे डबल किल हो चुके थे, तो मेरे को क्वार्टर करने का मौका मिल सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि एक और किल करते तो क्वार्टर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और मैंने डाउन निकाला और यहाँ पे बस मेरा क्वार्टर हो सकता था, इसलिए मेरे को जल्दी से एक और टीममेट को मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे टीममेट उनको उसको जो है मारने का ट्राई कर रहे थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ ताकि मैं क्वार्टर कर सकूँ और यहाँ पे मैं फाइनली क्वार्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिप्स वगैरह मतलब निकल रहे थे, काफ़ी ओपी यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा था। और यहाँ पे अभी मेरा जो है फाइनली ग्रैंड मास्टर हो जाता है, वो भी ग्रैंड मास्टर 2 में। तो बस आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था और यहाँ पे मेरी स्ट्रीक भी टूट जाती है, 49 हो गई थी, बट कोई बात नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।